अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हर रोज़ की तरह आज भी मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूँ, और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है तित्तर को टोरा किस टाइम देना चाहिए और टोरा कितना देना चाहिए। दोस्तों जो मैं वीडियो बनाता हूँ, और वीडियो जो है वो मैं अपने ख़ुद से नहीं बनाता बल्कि हमारे एक उस्ताद हैं, उसके 40 साल का तजुर्बा शामिल है। दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो को देखेंगे तो आपको जो है वो ज़रूर फ़ायदा होगा। दोस्तों अक्सर शौकीन हज़रात को पता ही नहीं होता कि टोरा जो है किस टाइम देना चाहिए और कितना टोरा देना चाहिए। दोस्तों आज मैं ये आपको बताऊंगा कि तित्तर को टोरा किस टाइम देना चाहिए और कितना देना चाहिए। दोस्तों टाइम ज़ाया किए बगैर आपको बताता हूँ कि तित्तर को है जो सुबह सुबह आप सूरज निकलने से पहले टोरा देना है। अगर आपको कोई मजबूरी है तो फिर आप जो है वो किसी टाइम भी टोरा दे सकते हैं, लेकिन जो बेहतरीन वक्त है वो सुबह का है सूरज निकलने से पहले। दोस्तों आप सूरज निकलने से पहले तित्तर को जो है वो एक बादाम खिलाएं, यानी आपने रात को बादाम एक भिगो देना है, सुबह टाइम आपने उसको छिलका उतार कर टुकड़े टुकड़ों में तकसीम करना है, फिर आपने उसको तित्तर को खिलाना है, फिर आप जो है वो तित्तर को टोरे पे ले जाएं। आपने टोरा जो है वो तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का देना है। दोस्तों ये बहुत लंबा टोरा है, लेकिन इतना टोरा जो है तित्तर का ज़रूर देना चाहिए। टोरा देने के बाद जब आप वापस आएँ तो आप तित्तर को किसी सब्ज़े वाली जगह पर ले जाएं और वहाँ पर रख कर तकरीबन जो है वो आधा घंटा बुलाई करें। उसके बाद आप तित्तर को वापस घर ले आएँ। दोस्तों अगर आप इसी रूटीन से टोरा देंगे तो आपका तित्तर जो है वो फिट रहेगा और अच्छी बुलाई करेगा। दोस्तों इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर शौकीन हज़रात को पता चले, क्योंकि अक्सर शौकीन हज़रात को पता नहीं होता ना, इसलिए आप जो है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप मेरी वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। दोस्तों चलते हैं, खुदा हाफिज़।